सिक्किम के उत्तरी इलाके में भारतीय सेना का एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया है, जिससे 16 जवानों की मौत हो गई है। भारतीय सेना के ईस्टर्न कमांड की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि घटना उत्तरी सिक्किम के जेमा में हुई। बयान में कहा गया है, दुर्घटनाग्रस्त होने वाली गाड़ी 3 गाड़ियों के काफिले का हिस्सा थी। काफिला चैटेन से थांगू की ओर जा रहा था। जेमा के पास एक मोड़ पर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। घटना स्थल पर बचाव दल को भेज दिया गया है। 4 घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से वहां से निकाला गया है। सेना ने कहा है कि इस दुर्घटना में 3 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, 13 जवानों की मौत हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने शोकाकुल परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सभी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है।